भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडिया आर्मी जिंदाबाद। इंडिया आर्मी जिंदाबाद। इंडिया आर्मी जिंदाबाद। इंडिया आर्मी जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ब्लाक दा रौने वाला अज भलवाल ब्लाक दा विच बेड़ा मोड़ साडे अरजीत सिंह और उनका सीधी दिन अज जिहड़ा बनाया गया। मैं नमन करना अरजीत सिंह होरें दी उनके माता पिता की उनके परिवार की जिन्हें साडे भारत वास्ते बलिदान दिता और अपने भारत की बचाने वास्ते साडे लखां नौजवान जिहड़े बलिदान दिया करदे। मैं लख लख बारी नमन करना अपने बेल्ट फोर्स के जवानों की। मैं ये गल आखना चाहना भाई साडे बेल्ट फोर्स के जवान जिहड़े भी इनके कोई परिवार ने जिहड़े साडे नौजवान शहीद होए ने इनके परिवारों की कोई भी सरकारी दफ्तर दा विच जां कोई भी सरकारी काम पवे इंदा काम परिवार दा जिहड़ा 100 काम छड्डिया पहला सीधे परिवार दा काम है जिहड़ा करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट अगे अपील करना कोई भी परेशानी जिहड़ी सीधी परिवार दी जिहड़ी है नहीं आनी चाहिदी। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं काजल अमर शहीद लांस नायक रणजीत सिंह की बेटी हूँ और आप सबका शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपने टाइम शेड्यूल से थोड़ा टाइम हमारे लिए निकाला और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मेरे पिताजी अमर शहीद लांस नायक रणजीत सिंह का जन्म इसी गांव बरन 11 मार्च 1985 में हुआ था। उनकी माताजी का नाम श्रीमती बीना देवी जी हैं और उनके पिताजी का नाम श्री हरि सिंह जी हैं। उनका जीवन मेरे और मेरे भाई कार्तिक के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनके जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई बट वो कभी घबराए नहीं। उन्होंने स्ट्रगल किया और अपनी मेहनत से फौज में भर्ती हुए। फौज में भी उन्होंने अच्छे से देश की सेवा की और देश सेवा करते हुए 12 जुलाई 2017 को श्रीनगर के कुपवाड़ा में वीरगति को प्राप्त हुए। हमें भी उन्होंने यही सिखाया है कि देश सेवा से बड़ा और कुछ नहीं। हम भी उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे और देश और पापा का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद जय भारत।